यूपी के उन्नाव में हत्या चढ़ी काफी वक्त से फरार बदमाश। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने लूट की कई वारदातों में शामिल तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार और नकदी भी बरामद हुई। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में आप नेता और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया, जिनका इलाज चल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने होटल पर छापेमारी कर तीन लड़कियों समेत चार को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से तीन तमंचे और लूट का सामान बरामद किया गया। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जो BMW कार से तस्करी करते थे। बिहार के नालंदा जिले में बर्थडे पार्टी के समय लड़कियों के डांस के बीच फायरिंग का वीडियो सामने आया। कर्नाटक के शिवमोगा में झरने के तेज बहाव के बीच फंसे दो सैलानियों को इलाके के लोगों ने बचा लिया। बताया गया कि दोनों आदमी तलासी अब्बी फॉल्स नाम से मशहूर इस झरने में घूमने आए थे, लेकिन तेज बहाव की वजह से दोनों आदमी वहां फंस गए। दोनों आदमियों ने अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान को कसकर पकड़ा हुआ था। काफी देर तक वहां फंसे रहने के बाद आसपास के लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन दोनों आदमियों को वहां से निकालने की कोशिश शुरू हो गई। इस बीच झरने की तरफ से एक आदमी रस्सी की मदद से उन दोनों के पास पहुँचने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उस आदमी को वहां तक पहुंचने में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में वो आदमी उन दोनों तक पहुंच गया। वहीं दोनों की मदद के लिए कुछ ही दूरी पर एक और आदमी भी खड़ा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वहां फंसे दोनों आदमियों को रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लिया गया। शिमला के लिंगजार गाँव में सड़क की बदहाली पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भारी बारिश के बाद गाँव की मुख्य सड़क पूरी तरह खराब हो गयी, जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार नेताओं के साथ अधिकारियों से भी की, लेकिन जब कहीं से भी बात नहीं बनी तो गांव के लोगों ने खुद ही सड़क की मरम्मत करनी शुरू कर दी। लोगों ने पत्थर के टुकड़ों से गड्ढों को भरना शुरू कर दिया। इस काम में गांव के सभी लोगों ने हाथ बटाया। सड़क खराब होने से गांव के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि वो काफी गुस्से में भी हैं। कचर के लिए भी रास्ता नहीं है। स्कूल को बच्चे को 15-15 दिन हो गए, आज तक कोई बच्चा हमारा स्कूल नहीं गया हुआ। इसके साथ ही गांव वालों ने दावा किया कि सड़क खराब होने की वजह से उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। 10,000 पेटी सेब की फंसी है, जो बिल्कुल लोगों का हैंड टू मौत है। गांव में हुई भारी बारिश से न केवल सड़क बल्कि गांव के कई घर भी टूटने की कगार पर पहुंच गए। गांव वालों ने प्रशासन से जल्द मदद की अपील की। करण जौहर ने फिल्मी परिवारों से जुड़े कलाकारों को काम देने के आरोपों पर सफाई दी। करण ने दलील दी कि उन्होंने हर कलाकार को उसकी काबिलियत के आधार पर चुना, और उन्होंने कहा कि ऐसे में उन पर नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के आरोप गलत है। न्यूज 18 से बातचीत में करण जौहर ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन और आलिया भट्ट को लॉन्च करने पर सफाई पेश की। वरुण धवन वाज माय असिस्टेंट, वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट फिल्म। आलिया भट्ट वाज समबडी दैट आई हैड सीन एज अ चाइल्ड एंड कंप्लीटली वाजंट इन माय जोन। आई मेट हर, शी लिजिट ऑडिशनड विद 500 अदर गर्ल्स एंड दोज आउट ऑफ दोज 500 अदर गर्ल्स और 400 इज द राइट नंदिनी विल रिमेंबर शी वाज कास्टिंग, देयर वर अबाउट 380 वर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। आलिया वाज जस्ट वन ऑफ देम एंड शी गॉट नो प्रेफरेंस। करण जौहर पर नेपोटिज्म के आरोप लगाने वालों में सबसे आगे कंगना रनौत है, जो खुलकर उन पर फिल्मी खानदानों से जुड़े लोगों को काम देने का आरोप लगाती रही हैं। You know, in my biopic, if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and, you know, intolerant is a flag bearer of nepotism. The movie mafia. नेपोटिज्म के आरोपों से नाराज करण जौहर ने दलील दी कि उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 20 से ज्यादा फिल्म डायरेक्टर दिए हैं, जिनमें ज्यादातर का फिल्म जगत से कोई रिश्ता नहीं था। We've introduced 21 debut directors. Some I've collaborated with, some I've introduced from the company. 21 now going on 22. Out of which I can say about 16 or 17 of them are not nepotistic young filmmakers. They have not formed the fraternity or the industry. They're completely from the outside. बिहार के मुंगेर के निचले इलाकों में बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद यहां गंगा नदी उफानने से नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद गांव के लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। बाढ़ में अपने घर के डूब जाने के बाद एक आदमी सिर पर बक्सा रख कर पानी को पार करता दिखा। कमर तक पानी में चलने में उसे परेशानी हो रही थी, इसलिए वो अपने साथ एक डंडा भी लेकर चल रहा था। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर सड़कें टूट गई थी, जानवर भी पानी में डूबे नजर आए, जिसके बाद लोगों ने गांव के पास से गुजरने वाले हाईवे पर डेरा जमा लिया।
लोग हाईवे के किनारे छोटे छोटे टेंट बनाकर उसमें रहने लगे। वहीं बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गईं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। फसल नष्ट हो गया है और धान की भी खेती लगभग ही डूब चुकी है। लोगों के मुताबिक कोई भी नेता या अधिकारी अब तक उनकी सुध लेने नहीं पहुँचा।